बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम दूध से डायरेक्ट मक्खन बनाएंगे और यहाँ पे बहुत से अहम टिप्स हैं, बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वरना या तो आपका मक्खन सही नहीं बनेगा या वो बनेगा ही नहीं। तो आपने ध्यान से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 लीटर मैंने मिल्क लिया है और मिल्क जब भी लें उसको आजकल फ्रिज में रखें, बाहर आपको पता है ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको बॉईल करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। और आज की दही में हमारा बहुत जो अहम टॉपिक है वो है मोटी मलाई लेके आना। उसका तरीका अगर क्या होता है कि आपने तेज़ आंच के ऊपर दूध को बॉयल करके उसके बाद क्या करना है, आंच को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ठीक है, बिल्कुल लो कर देना, और इसको पकने देना है कोई 20 से 25 मिनट। मोटी मलाई ऊपर आ जाएगी और बॉयल तो आ नहीं रहा लेकिन चूल्हा जला हुआ है तो ये मलाई काफ़ी मोटी हो जाएगी। इसको आपने ठंडा कर लेना है और दूध का जो टेम्परेचर है वो नीम गर्म होना चाहिए। कितना गर्म होना चाहिए उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसमें उंगली डालें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गिनें। नॉर्मल अगर आपको लगे कि दूध आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो ये ठीक है। 1 टीस्पून इसमें दही डालेंगे, पर दही के बारे में हम आपको बता दूं कि ये ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पहले ही 10 मिनट उसको फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा और फिर आपने फेंट के इसको जाग लगानी है। अब आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, ठीक है, इसको बाहर ही कहीं रखना है रूम टेम्परेचर पर, और इसके ऊपर ढक्कन रख के ऊपर हो सके तो एक कपड़ा डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो दही है वो बहुत अच्छे से जम चुकी है। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये मलाई इसके ऊपर कैसी है, क्योंकि हमने मलाई के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। आपको याद होगा मैंने हल्की सी आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट दूध को बॉयल किया था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जी, मलाई टूट ही नहीं रही, मतलब ये काफ़ी मोटी है, काफ़ी थिक है और काफ़ी क्रीमी है। ये देखिए मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। तो अब वो जो प्रोसेस है ना अगले वाला जिसमें हमने मक्खन निकालना है, उसमें कुछ अहम स्टेप्स हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको दही को फेंटेंगे रिड़केंगे तो उसका मक्खन निकल आएगा, नहीं, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। और ये मलाई जो मैं लेके आया हूँ इसकी भी मैं आपको जो है प्रोसीजर वो बता चुका हूँ, ठीक है। ये देख लें आप माशाल्लाह से, मेरे अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत और मोटी मलाई है ये। तो आइए अब चलते हैं मेन हमारी जो रेसिपी है उसकी तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही को मैंने डाल दिया है एक जग के अंदर और हम यहाँ पे मदानी को रगड़ेंगे। हम इसको कहते हैं रिड़कना, तो पंजाब में ये बहुत कॉमन चीज़ है। आपने ज़ोर से इसको रिड़कना है और कुछ भी ऐड नहीं करना, और ये दही फ्रिज में नहीं आपने रखनी, ठीक है। दही जम जाए उसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना आपने, ठंडी दही होगी तो आपकी जो मक्खन है वो नहीं निकलेगा। ये देखें ये निकलना शुरू हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दें, हम ये ले जी तकरीबन 1/2 ग्लास मैंने पानी का ऐड कर लिया। ये सारी दही नहीं है, ये अभी थोड़ी दही है। तो इसको आपने ज़ोर से, ये देखें माशाल्लाह मक्खन आना, जब इतना मक्खन आना शुरू हो जाए, देखें थोड़ा सा मोटा दानेदार, तो आपने एक काम करना है, मक्खन जो है निकल चुका है लेकिन लस्सी के अंदर मिक्स है, आपने मक्खन को अलग करने के लिए अब इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करने हैं, ठीक है, बर्फ़ ऐड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मक्खन को एक दूसरे पीसेस के साथ जोड़ने के लिए मैंने बर्फ़ ऐड की। अब मैं जब इसको रिड़कूँगा तो ये देखिए आप मक्खन जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा ठंडा होने की वजह से, ठीक है। और सर्दियों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन गर्मियों के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 मिनट ही ये करना पड़ेगा, इससे लंबा प्रोसीजर नहीं। ये देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। इसको निकाल लेते हैं बॉल प्लेट के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से इसको मैंने दबा के इसकी लस्सी निकाल ली थी। अब यहाँ पर बहुत अहम बात, क्यों ये मैंने कल निकाला था तकरीबन 1 लीटर दूध का। अब अहम बात के हमने इसको सबको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, बाहर नहीं रखा जाता। इसका टेम्परेचर जो होता है मेल्टिंग टेम्परेचर वो बहुत ही लो होता है, मतलब ये तकरीबन 22-24 सेल्सियस पे पिघल जाता है। आजकल तो वैसे ही लाहौर का सेल्सियस आई थिंक 45-46 से आ रहा है। तो इसको आप किसी भी इस तरह के एक, ये मेरे पास पड़ा हुआ था बॉल सा, इसके अंदर डाल लेते हैं।
और फिर मैं आपको ये फ्रीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें, ये पड़ा पड़ा यहाँ पे मेल्ट हो रहा था, तो इसको आप फ्रीज़र में, ये देखें ये अभी पिघला हुआ है, तो इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। और ये लें जी, इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं, फ्रिज के अंदर रखा, जस्ट आधे घंटे में ये जो है फ्रीज़ हो चुका है। तो दोस्तों ये ओरिजिनल चीज़ है, असल चीज़ है, अपने बच्चों को ये खिलाएं ब्रेकफास्ट में और देखिएगा कि इंशाल्लाह उनकी सेहत कितनी जल्दी बहुत इंप्रूव होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो जनाब लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। दुआ में याद रखिए, इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।